सेवा जोहर दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हाउ टू ट्रेड क्रिप्टो करेंसीज, क्रिप्टो ट्रेडिंग गाइड फॉर बिगिनर्स। क्या आप क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं और क्यों नहीं, क्रिप्टो ट्रेडिंग की कला सीखने वाले बहुत सारे शुरुआती अमीर बन रहे हैं और साथ ही शुरुआती व्यापारी भी जो हैं जो क्रिप्टो ट्रेडिंग में अपने जीवन भर की कमाई खो देते हैं। विजेताओं और हारने वालों के बीच का अंतर है, विजेता जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और वे जोखिम प्रबंधन के ज्ञान का पालन करते हैं, जबकि हारने वाले ज़्यादातर जुआ मानसिकता के साथ आते हैं और वे लालच भय जैसी भावनाओं को अपने सर्वश्रेष्ठ स्वयं पर हावी होने देते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए इस गाइड में मैं आपको विजेताओं और धनवानों के तरीके सीखने में मदद करूँगा। आइए यह सुनिश्चित करने के लिए मूल बातें सीखें कि आप दूसरों द्वारा की जाने वाली गलतियां न करें और क्रिप्टो ट्रेडिंग से खूब धन कमाएं। बाकी सबसे पहले, यदि आप अपने क्रिप्टो करेंसी का व्यापार शुरू करने का निर्णय लिया है तो मैं आपको बधाई देता हूं। यह नई शुरुआत का युग है और आप शायद अपने सामाजिक समूह के पहले कुछ लोगों में से एक हैं जो लीक से हटकर सोच रहे हैं। यह निश्चित रूप से अज्ञात के जोखिम के साथ आता है, लेकिन अगर इतिहास ने हमें एक चीज़ सिखाई है तो धन और शक्ति जिसके पास आती है जो बड़ा जोखिम उठाते हैं। मेरे दर्शन को पीछे रखते हुए और मुझे क्रिप्टो ट्रेडिंग की दुनिया में प्रवेश करने में आपकी मदद करने दे। क्रिप्टो ट्रेडिंग के प्रकार क्या है? क्रिप्टो ट्रेडिंग के दो प्रमुख प्रकार हैं, फिएट से क्रिप्टो। इस प्रकार में फिएट अर्थात USD, GBP, SGD, INR आधार मुद्रा है और आप इसे क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ व्यापार करते हैं। जैसे इस गाइड के आगे भाग में मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए फिएट का उदाहरण साझा किया है। उसके बाद है दूसरा, क्रिप्टो से क्रिप्टो ट्रेडिंग, अल्ट कॉइन ट्रेडिंग। यह क्रिप्टो ट्रेडिंग का अब तक का सबसे कम समझा और सबसे लाभदायक रूप है। इस प्रकार में आप आधार के रूप में क्रिप्टो का उपयोग करते हैं और बेस कॉइन को विकसित करने के लिए अन्य क्रिप्टो करेंसी अर्थात अल्ट कॉइन के खिलाफ व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए आप 0.1 BTC से शुरू करते हैं और इसे ETH अर्थात इथेरियम, BNB जैसे अन्य सिक्कों के खिलाफ व्यापार करते हैं ताकि आपकी BTC होल्डिंग 0.1 से बढ़ सके। इसे लोकप्रिय रूप से अल्ट कॉइन ट्रेडिंग के रूप में भी जाना जाता है। बहुत से शुरुआती लोग फिएट के साथ क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए चिपके रहते हैं क्योंकि यह आसान और परिचित लगता है। हालांकि अन्य एक लीग जो क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए क्रिप्टो का उपयोग कर रही है, समय के साथ एक महत्वपूर्ण लाभ कमाती है। ट्रेडिंग वर्सेस निवेश। इस स्तर पर जानने के लिए एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आप एक क्रिप्टो डे ट्रेडर या एक मूल क्रिप्टो निवेशक बनना चाहते हैं। यह निर्णय कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे आपका मौजूदा पैसा, भूख से निपटने की आपका जोखिम, आपकी ट्रेडिंग शैली, आपकी दीर्घकालिक भावनात्मक स्थिति, आप कितने समय से क्रिप्टो बाजार का अनुसरण कर रहे हैं। अंतिम दो सबसे महत्वपूर्ण है और एक महत्वपूर्ण निर्णायक कारक भी है। हालांकि समय और अभ्यास के साथ आप भावना और व्यवहार प्रबंधन सीख सकते हैं, जो कि ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसीज में इक्का दुक्का कुंजी है। मैं आगे के भाग में इसके बारे में कुछ सूचक साझा करूंगा। बहुत से लोग जो शुरुआती दिनों में क्रिप्टो करेंसी में शामिल हो गए थे, अब निवेश और व्यापार के मिश्रण का आनंद लेते हैं। इसका कारण क्रिप्टो कीमतों की जंगली अस्थिरता है, जो किसी के लिए अपनी क्रिप्टो होल्डिंग्स को एक रणनीति के साथ विकसित करने का एक बड़ा अवसर लाती है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कम समय के लिए एक क्रिप्टो करेंसी खरीद रही है, जैसे कि लाभ कमाने के लिए दिन, सप्ताह या महीने। बहुत से लोग दिन के कारोबार में शामिल हो जाते हैं, जहां वे उसी दिन या कुछ दिनों में क्रिप्टो खरीदते हैं और बेचते हैं। ध्यान दें, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग उर्फ डे ट्रेडिंग में आप कुछ दिन जीतेंगे और आप कुछ दिन हारेंगे। स्टॉप लॉस आपकी सबसे अच्छी जोखिम प्रबंधन रणनीति होने जा रही है।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप एक बड़े हिस्से को खोने का अंत नहीं करते हैं। हालांकि यदि आप स्टॉक ट्रेडिंग पृष्ठभूमि से आ रहे हैं तो उच्च अस्थिरता के कारण विशिष्ट स्टॉप लॉस लॉजिक क्रिप्टो ट्रेडिंग पर लागू नहीं होगा। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, लंबी अवधि के व्यापार को क्रिप्टो में निवेश के रूप में माना जा सकता है। चूंकि आप नए हैं, आपको होडल नामक क्रिप्टो के पॉप टर्म के बारे में पता होना चाहिए। यह उन लोगों के लिए अनुशंसित है जो मानते हैं कि बिटकॉइन, इथेरियम और अन्य जैसी विशेष क्रिप्टो करेंसी चांद पर जा रही है और उनका निवेश कई गुना बढ़ जाएगा। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के फायदे, आप शॉर्ट टर्म वोलाटिलिटी के प्रति प्रतिरक्षित हैं और आपको नियमित आधार पर ट्रेडिंग चार्ट का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय आप अपनी ट्रेडिंग रणनीति की योजना बनाने के लिए बस बुनियादी बातों को देख सकते हैं। यह केवल कुछ ब्लू चिप सिक्कों जैसी बिटकॉइन, इथेरियम, बाइनेंस कॉइन के लिए उपयुक्त है। अब आइए उन तरीकों को देखें जिनके द्वारा आप क्रिप्टो करेंसी का व्यापार शुरू कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी का व्यापार शुरू करने से पहले आपको क्या चाहिए? आरंभ करने के लिए आपको निम्नलिखित चीजों की आवश्यकता होगी। पहला है फंड। आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग खाते को निधि देने के दो लोकप्रिय तरीके हैं। पहला है बिटकॉइन और दूसरा है फिएट, जैसे यूएसडी, जीबीपी, यूएसडी, एयूडी और आईएनआर, अर्थात इंडियन रुपीस। यहाँ मूल विचार यह है कि आप अपने स्थानीय एक्सचेंजों से बिटकॉइन खरीदें और फिर बिटकॉइन को इन किसी भी क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करें। आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए कई फंड तय कर सकते हैं, जैसा कि कई बुद्धिमान क्रिप्टो व्यापारियों द्वारा साझा किया गया है। आपको केवल उस पैसे को व्यापार में लगाना चाहिए जिसे आप खोना ठीक समझे या फिर जिसका आपको खोने पर कोई दुख ना हो। एक क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग वेबसाइट। आपको एक क्रिप्टो एक्सचेंज की आवश्यकता है। बाइनेंस पिछले कुछ वर्षों में क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए नंबर वन क्रिप्टो ट्रेडिंग वेबसाइट है। इसका एक कारण यह है कि यह क्रिप्टो करेंसी की एक विस्तृत सत्यता प्रदान करता है और सबसे अच्छे ट्रेडिंग इंजन में से एक है। यह निम्नलिखित व्यापारिक प्रकारों का समर्थन करता है, जैसे स्पॉट ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग, आर्बिट्रेज ट्रेडिंग, वायदा कारोबार। यह एक बैंक के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि आप निष्क्रिय धन पर ब्याज अर्जित कर सकते हैं। आप हमारे बाइनेंस समीक्षा मार्गदर्शिका में इसके बारे में अधिक जान सकते हैं। उसके बाद है तकनीकी विश्लेषण। अब यह एक ऐसा कौशल है जिसे आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में आगे बढ़ने पर विकसित कर सकते हैं। हालांकि चार्ट्स को कैसे देखा जाए इसका बुनियादी समझ होने पर आने वाले दिनों में तकनीकी संकेतक जैसे कि RSI, MACD, बोलिंगर बैंड आपकी बहुत मदद करेंगे। चार्टिंग और तकनीकी संकेतकों के बारे में सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और नियमित अभ्यास से आप अपने कौशल को निखार सकते हैं। इनमें से अधिकांश व्यापारिक वेबसाइटें एकीकृत तकनीक विश्लेषण चार्ट प्रदान करती हैं। आप TA चार्ट की जांच के लिए ट्रेडिंग व्यू जैसे कुछ भी का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद है जोखिम प्रबंधन। यह एक ऐसी चीज है जिसे मैं आपको तुरंत सीखने की अत्यधिक अनुशंसा करता हूँ। बहुत सारे स्मार्ट लोग ट्रेडिंग में अपना सारा पैसा खो देते हैं क्योंकि वे बुनियादी जोखिम प्रबंधन सिद्धांत का पालन नहीं करने से अति आत्मविश्वास में आ जाते हैं। याद रखें, आप अपने द्वारा किए गए सभी ट्रेडों में जीत नहीं पाएंगे और उचित जोखिम प्रबंधन के साथ आप अपने नुकसान को कम करेंगे। उन्नत उपयोगकर्ताओं के लिए नोट, यदि आप एक पारंपरिक स्टॉक ट्रेडिंग पृष्ठभूमि से आ रहे हैं तो आप क्रिप्टो मूल्य
आंदोलनों के जंगली स्विंग से आश्चर्यचकित हो सकते हैं। तो व्यापारिक प्रति घंटा या दैनिक प्रतिरोध और समर्थन स्तर यहाँ सही नहीं हो सकता। यहाँ एक कारण है, मैं आपको असली पैसा लगाने से पहले पेपर ट्रेडिंग करने का प्रयास करने की अत्यधिक सलाह देता हूँ। पेपर ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग में असली पैसा लगाने से पहले एक अच्छा विकल्प पेपर ट्रेडिंग का उपयोग करना है। इसमें आप अपनी असली पैसा लगाने से पहले क्रिप्टो ट्रेडिंग का अभ्यास करते हैं। इस तरह आप अपनी मेहनत की कमाई को निवेश करने से पहले हमेशा अपनी ट्रेडिंग कौशल की जांच कर सकते हैं। थ्री कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुफ्त में पेपर ट्रेडिंग प्रदान करता है। अधिक जानने के लिए थ्री कॉमर्स की समीक्षा पढ़ें। हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी।